तो फिर ये मामू जी जा रहे धर्मशाला, एक दो किलोमीटर चलोगे तो शहर खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद कितनों की लव स्टोरी केसरिया तेरा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक इट इजी व्लॉग्स। आई होप कि आप सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। तो पहले तो वेरी गुड मॉर्निंग। और देखो गाइस, आज ना सुबह सुबह मतलब 9 बजे, अभी 9:30 हो गए, सॉरी। तो सुबह सुबह 9:30 बैठा हूँ धूप में, क्योंकि शिमला की धूप ना बहुत प्यारी होती है, और यहाँ का जो सुकून है ना, इस चीज़ का फील लिया जा रहा है। बाकी आज का प्लान कुछ ऐसा है कि अभी तो हम रेडी हो गए, क्योंकि मैंने अंजना के लिए बहुत ही एक अच्छा सा प्लान किया है। तो करता हूँ मैं ब्लॉग की शुरुआत, तो ब्लॉग के एंड तक बने रहे और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। हाँ जी, तो क्या चल रहा है? दूध प्लस चाय बन गई है। चाय नानी अपनी रेसिपी बता रही है, चाय वाली। पहले दूध डालो पूरा, फिर अदरक डालो, फिर उसके बाद पानी डालो, अब चीनी नहीं, उसके बाद नानी ट्रेन कर देगा। नानी को शिकायत का मौका नहीं चाहिए। नहीं, मेरे को काम में चलो है तो ना, अपना करने के लिए मेरे को मैं करती नहीं, पर थोड़ा ऐसा काम तो होना चाहिए जिससे ये हटा रहा था मैं। आपकी शक्ल दिखनी जरूरी है, कोई फायदा बढ़िया रहे। बिल्कुल, कोई नहीं भाई, 4-5 महीने की बात है, फिर तो आ जाएगी भाभी जी। अलाइनमेंट ठीक होनी चाहिए ना, नहीं तो आगे पीछे लग जाएगा। नहीं नहीं, अंजना का बर्थडे आ रहा है तो ध्रुव ने कुछ प्लान किया है, और उसमें मैं भी पार्ट हूँ और नेहा भी, नेहा भी मिलेंगी। हाँ, तो भाभी जी भी है। चंडीगढ़ का प्लान बताओ, क्या प्लान बना? नेक्स्ट डे हो गया ना, पूरी रात थी आपके पास सोचने। मेरा प्लान तो बना हुआ है, मेरा कुछ भी नहीं है, पर प्लान के लिए मेरे क्या है, कौन से मैंने कौन से जेवर पहने, कौन सा क्या। तैयारियां तो करनी पड़ती है, देख लो आप। नानी के वैसे पूछ रहे मौसम कैसे, उसी हिसाब से कपड़े ले जाऊंगी ना मैं। बात कुछ नहीं करना, मैंने तो उसी जैकेट नहीं, अस्कट नहीं ले जाऊंगी, अस्कट ले जाऊंगी मैं। ऐसे तो मैं खाली कमीज तो मैं पहनती नहीं कभी, कभी नहीं, कभी भी, कभी भी नहीं, चाहे गर्मी है। नोटिस नहीं करी तो नहीं चीज, और ढाटू का भी नहीं खोलते नानी, ना ढाटू ना हम ऐसे खाली पहनते। हमारे मानते असूल है नानी, कमीज तरीका यही तो होता है, सही बात है, कर्म धर्म यही है बेटा, कुछ नहीं है। इसको दिखा के नहीं आ मेरे वे तो जाने फिट घूमते हैं तो फिर ये। नानी आजकल के जो फैशन, जो नए नए टाइप के फैशन आए हैं, उस बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज द लुक फॉर द डे, रेडी हो चुके हैं हम। अंजना थोड़ा टाइम लगा रही है, पर मैं और अक्षय भाई तो रेडी। तो इसमें चल रही है ना, ये देखो भाई ट्रैक सूट में चल रही है। नानी दे रही है, देखो ढाटू भी मिल गया हमें। तो क्या है, क्या होने वाला है, सब कुछ आपको मैं बताता हूँ, बस थोड़ी सी देर में बस निकल जाए, बस एक बार निकलने की देरी होती है यार। रेडी टू गो? रेडी टू गो, पक्का? ओहो मामू जी जा रहे हैं धर्मशाला हमारे, ये तैयारी पूरी हो चुकी है। क्या बात है, 8-10 दिन के लिए जा रहे हो आप? क्या बात है, देख रहे हो आप, मामू का ट्रिप शुरू हो गया है, क्या फीलिंग आती है ना। हाँ भाई, ये सीढ़ियाँ चढ़ के ना हद हो जाती है, और ऊपर से सामान, सही बात है, वर्कआउट हो रहा है पूरा। मामू जा रहे हैं धर्मशाला, अच्छे रहे इनकी यात्रा। रात को शैलजा दीदी आए थे, उनको छोड़ने जाना था, तो उस चक्कर में पार्किंग ना निकले, हम फटाफट वापस आए, और अक्षय भाई ने गाड़ी देखो कैसे लगाई है। ये देखिए गाड़ी, मतलब देखो चिपक ही गई है ऑलमोस्ट, आगे थोड़ा सा ही दिख रहा है, इतनी करीब है कि सांस भी नहीं आ सकती है। अब यहाँ से उठानी भी वैसी ही पड़ेगी। पोल है आगे। अंजना प्रैंक करने की कोशिश कर रही है, बोले फोन रह गया नीचे। हाँ गाड़ी अपनी निकल गई है, एक थोड़ा बैग का स्ट्रैप भारी रह गया, चलो कोई ना। पार्किंग में आ चुके हैं हम, अक्षय भाई गाड़ी पार्क करने गए शैल दीदी के घर के पास, फिर अब हमने निकलना है, फिर उसके बाद भाभी भी शायद हमें ज्वाइन करे। हम संजौली होके जा रहे हैं, थोड़ा सा छोटा सा काम भी है, बाकी यार लेट तो हो गया वैसे, फिर भी 12:30 तक तो मेरे को लग रहा है ऑलमोस्ट पहुंच ही जाएगी। अभी नेहा को पिक करना है,
तो उसी के लिए लेट हो रहे क्योंकि उसको हमने टाइम बहुत पहले का दे दिया और हम लोग बहुत लेट गालियां पड़ने वाली है। संजौली पहुंच चुके हैं और संजौली आज खा ली है सबसे अच्छी चीज और आज मौसम भी बढ़िया हो गया है। बर्फ ना पड़ जाए, बर्फ का डर है बस हमें। गजब हो जाएगा। वैसे बारिश तो हो सकती है, बर्फ का नहीं पता, पर बारिश भी नहीं होगी आई थिंक ना हो, क्योंकि आज जो है बहुत इम्पोर्टेंट डे है मेरे और अंजना के लिए। अक्षय भाई हमारे साथ आ रहे हैं, सबसे बड़ी हेल्प हो जाएगी क्योंकि उस चीज में हेल्प की बहुत जरूरत है और आइडियाज की बहुत जरूरत है। और आज के डायरेक्टर मैं ही हूँ, प्रोड्यूसर भाभी जी को बना देते हैं, प्रोड्यूसर नेहा है। गाइस 2 मिनट के लिए गाड़ी रोकी है संजौली में क्योंकि बुके ले रहे हैं, तो अक्षय भाई उतरे है क्योंकि देखो यार बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे, अभी तो ना रश कम है अदरवाइज भाई बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पे ऐसे गाड़ी रोकना हर कहीं। आज है क्या एक्चुअली, कहाँ के लिए हम जा रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर लूँ जब तक अक्षय भाई आते हैं। मैंने सोचा आज अंजना का करवाएंगे हम वीडियो शूट, जो बर्थडे स्पेशल वीडियो शूट होगा, जिसमें मैं और अंजना वही वाली मेमोरीज जो हमारी प्री वेडिंग के टाइम थी, शादी के टाइम थी, वो वाली मेमोरीज दोबारा से रिवाइंड करेंगे। तो ये स्पेशल शूट हमने कुफरी में प्लान करा है और हमें कौन ज्वाइन करने वाला शूट करने के लिए वो भी आपको दिखाएंगे और बाकी जो भी जैसा भी रहेगा सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड गाइस। तो गाइस अक्षय भाई आ चुके हैं, अगर आप जूम हो नहीं रहा कैमरे में ना, फोकस नहीं हो रहा, इतने हॉर्न बज रहे थे कब से, सीरियसली आ जाओ भाई आ जाओ। वाओ भाई वाओ, मजा आ गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बढ़िया बढ़िया है। हमें मतलब खुले वो तो नहीं चाहिए होंगे फ्लावर्स, ओपन ऐसे ही कोई इसी से निकाल लेंगे फिर, पहले इसको एज अ प्रॉप इसको यूज करेंगे। पकड़ो आपका गुलदस्ता, अब आपको ध्यान से पकड़ना है। बर्थडे इन एडवांस मेरी तरफ से एक गिफ्ट। हाँ जी, बाकी साहब कुफरी रहेगा घूमने वाला, अच्छा रहता है साहब, इसमें 10 जगह रहती घूमने वाली, अच्छा अच्छा रहता है साहब घुमाने के लिए। खाली साहब 150 रुपए रहेगा साहब सभी जगह दिखाने का। 1 किलोमीटर चलोगे साहब जी, सैर खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपके पॉइंट। क्या क्या है यहाँ पे जगह है घूमने के लिए, जैसे ग्रीन वैली, एप्पल गार्डन, फागू वैली, ग्रीन पार्क, टेम्पल है, माशू पीक है, चीनी बंगला जहाँ मैक्सिम फिल्मों का शूटिंग रहता है, अच्छा जहाँ से चाइना बॉर्डर भी देख पाओगे। ठीक है साहब, क्या बात है, सारा कुछ बताते हुए चलेंगे साहब। थैंक यू सो मच, आपने ये इन्फॉर्मेशन शेयर करी। 2 किलोमीटर चलोगे तो सैर खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद हमारे पॉइंट शुरू हो जाएंगे। ये जाम कब तक रहेगा, जाम तो ये टनल है ना जी, कुछ गाड़ियां उधर से छोड़ी जाती है कुछ इधर से, अच्छा इस करके ज्यादा जाम है ना जी, अंग्रेजों टाइम की उसमें एक बारी में होटल मिल जाएगा, यहाँ होटल मिल जाएगा जी, मिल जाएगा पार्किंग के साथ चाहिए होटल पर, विद पार्किंग होगा और व्यू भी होगा, कहाँ पे यहाँ मिलेगा, साथ में चलूंगा जी दिलाने के लिए। तो अभी तो रुक जाओ, अभी हमें एक्चुअली यही काम है, ये टनल ये ढली आ गया ना आगे, ढली बोलते हैं इस जगह को, क्रॉस करेंगे तो ढली का एरिया, अभी हमें कुछ लोगों से वहाँ मिलना है, फिर देखेंगे अभी तो टूरिस्ट वाला फील अक्षय भाई। ये बंदा ना इसने देखा कि बोले यार इसको मेरी टोन से तो नहीं पता चला। जैसे अरे एंड में गंद पा गया, स्टार्टिंग से ना सही चल रहा था, अरे मैं मजे लेने लग गया ना, ढली क्यों बोला यार, ढली नहीं बोला होता ना तो तभी क्या वो चुपचाप गया भाई, गायब हो गया बंदा, मैंने कहा इसके आगे कौन, बोले शहर खत्म हो जाएगा यहाँ से आगे, बोले अच्छा मैंने कहा यहाँ से आगे ढली आता है, होटल मिल जाएगा, हाँ जी बिल्कुल मैं आपके साथ ही चल पड़ूंगा। अच्छा भैया की स्लैंग सुन के वो एकदम टूरिस्ट तो नहीं है हम, भाई हमने थोड़ी ना बुलाया था, वो खुद आए, तो मैं चलो ये बोर भी हो रहे, जाम भी लगा था, तब तक टाइम पास हो जाए। तो नेहा भी आ चुकी है, नेहा ने हमें ज्वाइन कर दिया है। हेलो, हाउ आर यू, बिजी चले हैं भाभी जी जरा थोड़े, मतलब भाभी जी तो यही है हमारे साथ। अच्छा फोन अभी फोन आया है। तो गाइस कुफरी पहुंच ही गए हम ऑलमोस्ट, एक यहाँ पे ना बहुत बढ़िया व्यू पॉइंट है, तो मेरा बड़ा मन था तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए कितना जबरदस्त व्यू है यार यहाँ से। अभी तो ना यहाँ पे बादल है पर सामने जो हिमालय का व्यू आता है, क्यों भाभी जी पर जो भी बोलो मजा आता है यहाँ पे, बर्फ के टाइम बर्फ भी होती है, ठंड भी है यहाँ पे, गर्मी नहीं होती है जैसे चंडीगढ़ में, वेदर नॉर्मल रहता है, चंडीगढ़ तो 40 डिग्री चल रहा है आजकल, यहाँ के अच्छा लग रहा है, सही बात है। बाकी गाइस थोड़ा सा यहाँ पे हमने ये भी डिसाइड करना है कि शूट किस हिसाब से करना है, तो भैया को हमने बोल दिया है, तो रिशु भाई ने हमें मिलना है। रिशु भाई कौन है, जिनको मैंने शाउट आउट दिया था एक वीडियो में, तो हमारी शादी की एल्बम में जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी तो वो चीज़ों को वो ओवरकम करने के लिए आज हमारा शूट भी करेंगे, और अंजना का बर्थडे शूट है तो यार बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है। लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, भैया ने हमें ज्वाइन कर लिया, ऋषु भाई ने, बढ़िया बनना चाहिए ऋषु भाई, बस
ये उम्मीद हम करते। तो बस अब शूट शुरू हो चुका है, पहला शॉट लेना है। तो वाह, तो पहला टेक हो चुका है। तो भाई ये है बिहाइंड द सीन्स, दुल्हन तैयार की जा रही है। तो नई लोकेशन में आ गए हम। तो शूट में आ चुके हैं मेहमान। एम्बियंस बहुत ही बढ़िया अंदर।